मैं हूं आपके साथ जहांरा और आप देख रहे हैं हेमंत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सहरसा बिहार जिला ब्यूरो गौरव कुमार चौधरी की रिपोर्ट। रविवार को उत्पाद विभाग एवं सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शहर से सटे पटुआहा में छापेमारी की। शहर से सटे पटुआहा ठोटी टोला वार्ड नंबर 36 में लखन यादव के घर से भारी मात्रा में विदेश शराब जब्त की गयी। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में मेघालय का विदेश शराब करीब 240 कार्टून पकड़ा गया, जिसमें ब्रांड मैकडुएल विदेश शराब जब्त किया गया। मैकडुएल ब्रांड का 180 ml, 375 ml और 750 ml का अलग अलग करीब 240 कार्टून शराब को जब्त किया गया। उत्पाद अधीक्षक स्मिता प्रीतम ने बताया कि सूचना मिली है कि पटुआहा में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भारी मात्रा में शराब एकत्रित की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद की पुलिस टीम के साथ आरोपित के यहाँ छापेमारी की गई, तो शीघ्र में ही छिपा कर रखा विदेशी शराब का कार्टून जब्त हुआ। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में एक शराब तस्कर लखन यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। जब्त 240 कार्टून शराब में से 63-84 बोतल शराब मिला, कुल 21-34 लीटर शराब जब्त किया गया। वहीं इस शराब के अवैध कारोबार करने वाले तत्वों पर नजर रखे हुए हैं। हुई थी कि पंचायत चुनाव में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब को स्टॉक किया जा रहा है, उसी सूचना के आधार पर हमारे द्वारा छापेमारी की गई कि पटुआहा वार्ड नंबर 36 में लखन यादव के घर में सूचना थी, तो वहां छापेमारी हुई, जिसमें करीब 150 से 200 कार्टून के बीच में शराब जब्त हुई है। अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रुपये होंगे। गिरफ्तारी भी है? हाँ, एक गिरफ्तारी भी है। तकरीबन कितने कार्टून शराब बरामद? 150 से 200 के बीच होगी, अभी गिनती जारी है। भारी मात्रा में शराब। ये शराब किन की थी, इसके लिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के उपरांत आपको नाम हम सार्वजनिक करेंगे।